हम बातचीत कर रहे हैं एक ऐसे शख्स से जो सरकार में रहकर भी सरकार के पक्ष में बोलने के लिए मजबूर नहीं रहते हैं और समय समय पर काफी बेबाकी से अपनी राय रखते रहे हैं। जी हाँ, वह है मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम साहब। अब इन्होंने फैसला लिया है कि पारिवारिक कारणों से मैं सरकार की भूमिका नहीं निभा पाऊंगा और वापस जाऊंगा यूएस। सर, आपकी नई पारी के लिए पहले शुभकामनाएं, लेकिन इंटरव्यू की शुरुआत में बहुत आर्थिक मामलों से नहीं करना चाहूंगा। मैं आपके अंतिम आर्थिक सर्वे जो पेश हुए हैं उसमें एक आपने कोट दिया था जो मिस्टर जॉन किंज का था, उसमें आपने लिखा था कि जो होना चाहिए वो होता नहीं अक्सर, जो नहीं होना चाहिए फिर जिसको उम्मीद नहीं करते वो हो जाता है। आपकी व्यक्तिगत लाइफ में या फिर पिछले 4 साल के दौरान ऐसा कुछ हुआ? हाँ, इनफैक्ट हम अभी लंच टाइम पे बात कर रहे थे, एक हमारे सर्विस ने मुझे छोटा सा फेयरवेल दिया और ये मैं सोच रहा था कि जैसे दो तीन चीज़ें जो एस्पेक्ट्स मेरे इस जॉब के थे, ये मैंने कभी एंटिसिपेट नहीं किया कि ऐसा मुझे करना पड़ेगा। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि जो हमारे इंडियन इकोनॉमिक सर्विस है उनके जो क्या क्या उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी पड़ती है। दूसरी चीज़ ये है कि मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि इतना लोग मतलब विल लुक टू यू फॉर एज अ पर्सन यू नो ऑफ पब्लिक फिगर जिसपे बहुत पब्लिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पे पड़ेगी, ऐसे मैंने कभी नहीं सोचा था। क्योंकि जैसे मैं कह रहा था कि अगर मैं जब भी जाता हूँ, जैसे उस दिन एयरपोर्ट में मैं जा रहा था तो जो सिक्योरिटी ने मुझे स्टैम्प किया उसने मेरा नाम देखा और कहा ओ आप सर्वे लिखते हैं वो बहुत ही बढ़िया है एंड दैट यू विल बिकम अ फिगर इन होम द पब्लिक लुक्स अप टू, मतलब कि मतलब ये नहीं है कि ये रिपोर्ट लिखते हैं पर ही इज अ पब्लिक फिगर और यू नो और उसकी उस पर उससे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है वो मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये सब होगा। जब आप मुख्य आर्थिक सलाहकार के तौर पर चुने गए थे उस वक्त जो अर्थव्यवस्था की चुनौतियां थीं और आज जहां पर आप हैं, जहां छोड़ के जा रहे हैं, तो दोनों में आपको लगता है कि स्थिति उस वक्त ज़्यादा ख़राब थी आज बेहतर है या फिर चुनौतियां आज ज़्यादा बढ़ गई हैं क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय हालात कई सारी चीज़ें बदल गई हैं? देखिए, अब सिचुएशंस तो चेंज करती रहती हैं, कई चीज़ इम्प्रूव करती हैं, कई चीज़ जैसे आपने कहा इंटरनेशनल एनवायरनमेंट, जब 2014 में तेल की दाम कम हो रही थी बहुत, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट वाज वेरी सेटल्ड, हालांकि ग्रोथ इंटरनेशनल जो ग्लोबल ग्रोथ थी वो काफ़ी कम थी पर ऑयल प्राइस थी, ये जो इंटरेस्ट रेट का घपला जो हो रहा अभी वो नहीं था, तो द एक्सटर्नल सिचुएशन वाज मोर सेटल्ड। अब जो है चुनौती बदल गई है और ये सब लॉट्स ऑफ स्ट्रेसेस जो सब इमर्जिंग मार्केट्स पे स्ट्रेस पड़ रहे हैं, क्योंकि देखिए हम कभी नहीं सोचा था तब कि ट्रेड वॉर होगा। हाँ, ये बिल्कुल ही, ये जो आपने जो केन्स की जो बात कही, ये तो कभी हमने नहीं सोचा था कि ट्रेड वॉर होगा। ये हमने कभी नहीं सोचा था कि जो जो सबको मालूम था कि फेडरल रिजर्व यूएस की जो वो इंटरेस्ट बढ़ाएगी धीरे धीरे, पर किसी ने ये नहीं सोचा था 2-3 साल पहले कि ये जो फिस्कल स्टिमुलस जो अभी किया है यूएस ने, वो किसी ने कभी नहीं सोचा था। हाँ, तो उसके मारे इंटरेस्ट रेट्स बढ़ी, हमारी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट पे भी प्रेशर हुआ, तो ये सब मतलब यू नो बदल गई है। कई आर्टिकल में पढ़ा और कई लोग चर्चा कर रहे थे कि जब आप आए थे तो काफ़ी चीज़ें समर्थन में फेवरेबल हो रही थी, कच्चे तेल के दाम की बात करें, इन्फ्लेशन हो, मॉनसून काफ़ी बेहतर था। जब आप जा रहे हैं तो वहाँ पर कच्चे तेल की कीमतें कहाँ जाएंगी कोई पता नहीं कर पा रहा है, इन्फ्लेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका, 5 साल के उछले स्तर पर है, WPI की बात करें, CAD काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, अंतर्राष्ट्रीय हालात में ट्रेड वॉर जैसी स्थिति है, तो जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत आपकी है उस वक्त आप छोड़ कर जा रहे हैं। जी, जो आपने बात कही, देखिए एक चीज़ है कि सब ऐसे ऐसे पोजिशंस में आई थिंक एटीट्यूड फॉर एवरीवन शुड बी कि हम बहुत ही इम्पोर्टेंट, हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली है एंड वी शुड डू आर बेस्ट, पर ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि हमारे बिना काम नहीं चलेगी, इसमें तो यू नो देयर विल बी मेनी पीपल हु कैन टेक ऑन दिस जॉब, सो नोबडी इज इंडिस्पेंसेबल। लेकिन कम से कम ये आपके जहन में उठा या फिर आपके मन में कि काश
पारिवारिक हालात वैसे नहीं होते कि मुझे छोड़कर जाना होता, मैं कुछ दिन और यहाँ रह लेता, ऐसे मन में आया कभी? वो तो हमेशा आता रहता है, वो तो हम क्यों छोड़ रहे हैं, क्यों हमारी देश क्यों छोड़ रहे हैं हम, क्योंकि ये चार साल मैं कहता रहता हूँ अंग्रेजी में 24/7 हाई, ऐसे मैंने कभी नौकरी करी नहीं है, और दिन रात ये मेरी नौकरी ये सिर्फ 9 to 9 नहीं है, मैं रात भर इसी के बारे में सोचता हूँ, इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में सोचता हूँ, तो इट हैज़ बीन अ वेरी एक्साइटिंग जॉब, इट्स बीन यू नो देश में इतने अच्छे यू नो चीज़ें हो रही हैं, अपॉर्चुनिटीज इतनी अच्छी हैं, और जहाँ चैलेंजेस भी हैं वहाँ पे इतनी प्रिविलेज और रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, तो फ्रॉम ऑल दीज पॉइंट्स ऑफ व्यू यू नो नोबडी शुड गिव अप अ जॉब लाइक दिस। मैं ये सवाल इसलिए पर यू नो देयर आर अदर रीजंस आल्सो, मैं ये सवाल इसलिए बार बार पूछ रहा हूँ क्योंकि इस आपके छोड़ के जाने के बहाने कई सारे लोग ये दलील दे रहे हैं कि अब वक्त आ गया है कि भारत को आर्थिक सलाहकार के तौर पर किसी भारत के व्यक्ति जो यहाँ पले बड़े हों, यहाँ पढ़े लिखे हों, जो देसी व्यक्ति हो, उनको बैठाया जाए ताकि वो यहाँ की जमीनी हकीकत को भी जाने और यहाँ पे अपनी तन्मयता से काम करें। देखिए तो दो तीन चीज़ें बातें इसमें, ये आप जैसे मैं चार साल यहाँ रहा, काम किया, अच्छा बुरा आप लोग बताएंगे, पर ये मुझे कभी नहीं लगा कि यू नो मैं जो काम कर रहा हूँ या ना कर रहा हूँ ये यहाँ हिंदुस्तान में ना रहने से कुछ मतलब डिसएडवांटेज हुए। अगर मैंने अच्छा काम नहीं किया मान लीजिए, तो आपको वो देखना चाहिए कि काम अच्छा किया कि नहीं किया, ये नहीं कि वेदर यू नो रहता है नहीं रहता है, दिस इज़ ऑल काइंड ऑफ इररेलेवेंट, क्योंकि माई व्यू इज़ दैट अगर देश को टैलेंट चाहिए तो जहाँ से भी मिले टैलेंट वही रखना चाहिए, कोई जरूरी नहीं कि देसी। हाँ, कोई जरूरी नहीं, देखो आफ्टर ऑल देसी मीडियोकर हो सकते हैं और मतलब देसी हो सकते हैं पर काम मतलब उनका मीडियोकर हो सकता है, तो आई थिंक यू शुड जज पीपल बाय द वर्क दे डू, क्या काम करते हैं अच्छा वो जरूर आप एसेस करिए। एज FM इज ऑल्सो सेड एंड आई हैव ऑल्सो सेड कि मैं भला ही मैं फिजिकली यहाँ पे नहीं हूँ, I will always be thinking about India, always be contributing. अगर मान लीजिए मिनिस्टर जेटली या PMO से मुझे कुछ यू नो रिक्वेस्ट आए, माई प्रोमिस इफ आई गेट एन ई मेल और रिक्वेस्ट फॉर एडवाइस विद इन 30 मिनट्स मैं जवाब दूंगा। तो इसका मतलब ये भी माना जाए कि आगे चलकर पारिवारिक हालात अगर सही हो गए तो दूसरी बार मौका मिला किसी पद के लिए, जिम्मेदारी के लिए, तो आप उसे संभालने के लिए तैयार हैं? आई मीन इट ऑल डिपेंड्स सर्कमस्टेंसेस, पर जरूर आई मीन अगर आप मुझे नौकरी देंगे आपके टेलीविजन स्टेशन में वो भी मैं कंसिडर कर लूंगा। सरकार बिल्कुल एब्सोल्युटली, मैं हमेशा हिंदुस्तान पे काम करता रहूंगा, जब भी मुझे मौका मिलेगा एडवाइस देने का देता रहूंगा, और अगर पूछे भी नहीं तब भी मैं एडवाइस दूंगा, वो एडवाइस ज्यादा अच्छा होगा। हो सकता है। आपके जाने के बाद जो आपके बाद आएंगे, आपको क्या लगता है उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या रहने वाली है, या फिर इसको दूसरे शब्दों में कहें तो आपका कौन सा सबसे बड़ा अनफिनिश्ड एजेंडा है जो आप पूरा होता हुआ देखेंगे? अगर इफ वी जस्ट फिनिश जो हमने शुरुआत करी है, इफ वी फिनिश दैट मेंटेन मैक्रो स्टेबिलिटी, वो इस साल के लिए दैट विल बी अ मेजर अचीवमेंट। जैसे हमने कहा था सर्वे में GST को स्टेबलाइज करना, ये जो IBC और बैंकिंग का है उसको कंप्लीट करना, हमने ये भी कहा था एयर इंडिया को कंप्लीट करना, खैर वो पता नहीं क्या होगा उसका, एग्रीकल्चर का वो जो प्रॉब्लम सॉल्व करना, और मैक्रो इस जैसे हमारी यू नो इन्फ्लेशन बढ़ रही है करंट आज जैसे आपने कहा उसको स्टेबलाइज करना अगले साल, देन देर विल बी अ बिग एजेंडा फॉर रिफॉर्म, यू नो बैंकिंग हो या एग्रीकल्चर हो या पावर हो, ये बहुत सारे चीज़ें हमने जो हमारी इकोनॉमिक सर्वे में भी यूनिवर्सल बेसिक इनकम हो, बहुत सारी चीज़ें हमने जो सर्वे में भी लिखी हैं। अब चूंकि चुनावी साल आ चुका है तो सरकार शायद वैसे रिफॉर्म पर आगे ना बढ़े जो थोड़े से अलोकप्रिय हो रहे हैं। हाँ देखिए ये जो अलोकप्रिय आपने कहा था, इट्स अ वेरी नाइस टर्म, पहली बार मैं सुन रहा हूँ पर मुझे समझ मद्रासी हूँ पर समझ आ गया जो आपने कहा था। देखिए ये एक चीज़ मुझे मैं इसके बारे में काफ़ी सोचता हूँ, जैसे आप कहते हैं अलोकप्रिय है, जैसे इट्स अ वेरी गुड पॉइंट, पर इसमें मुझे मैं सोचता हूँ कि हाउ कैन वी मेक गुड इकोनॉमिक्स गुड पॉलिटिक्स,
ये जो जो आप कहते हैं अलोकप्रिय है, वो हो सकता है वो अगर आप आपकी पर्सपेक्टिव 6 महीने से लंबा, ज़्यादा लंबा हो, उसमें से हो सकता है कि इट इज़ नॉट अलोकप्रिय एंड एक्चुअली इट्स फॉर द गुड ऑफ द पीपल. तो ये जो है, इट्स अ वेरी यू नो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि क्या कब अलोकप्रिय है, और वही चीज़ क्या हो सकता है कोई महीने बाद लेस अलोकप्रिय हो जाए. ये हो सकता है, जैसे आप जैसे देखिए गवर्नमेंट पे काफ़ी प्रेशर आया था कि तेल का दाम घटाएं, पास ऑन नहीं करें, हाँ वो जो भी है वो देखिए. नाउ एक तरफ से वो अलोकप्रिय है क्योंकि मतलब पीपल वांट प्राइसेस टू कम डाउन, पर अगर आप सोचें कि अगर हम वो करते हैं, और जैसे जेटली साहब ने कहा अगर हम करेंगे और जो मैक्रो स्थिति गंभीर हो जाएगी उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो भी ज्यादा, वो ज्यादा हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं. सो दैट इज व्हाई आई थिंक ये जो बहुत अच्छा, मैं फ्यूचर में ये यूज करूंगा अलोकप्रिय, उसका मतलब बहुत सारे डायमेंशंस हैं. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है. हम बातचीत कर रहे हैं मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम साहब से. एक मुद्दा जो मैं चाहूंगा कि पॉलिटिकली करेक्ट होकर जवाब मत दीजिएगा, दिल से जवाब दीजिएगा. आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने से पहले आपने एक आर्टिकल लिखा था, मुझे आज भी याद है, जो काफी आज भी लोग कोट करते हैं. उसमें आपने कहा था कि प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी जो लिमिटेड पावर उनके पास है उसके होते हुए भी इकोनॉमी पे कैसे बेहतर तरीके से कंट्रोल कर पाते हैं. मतलब मोटा मोटी ये बात थी. अब आपको 4 साल बाद लगता है कि जो आपने अपेक्षाएं, जो टास्क उस आर्टिकल में दिया था, वो पीएम ने पूरा किया है या फिर अभी भी काफी कुछ होना बाकी है? देखिए उसमें आई डोंट रिमेम्बर विच आर्टिकल योर एक अंग्रेजी अखबार में आपने दिया. नहीं मैंने ये देखिए मैंने आई थिंक व्हाट मैंने जो लिखा था वो ये था कि although the mandate जो भी अच्छा बड़ा political mandate है, मैंने ये कहा था कि the center actually controls much less than people think. That was my main point. क्योंकि मैंने कहा था कि काफ़ी चीज़ें states delegate states के पास है, और मेरी ये सबसे उसमें जो ने लिखा था उससे भी ज़्यादा ये 4 साल बाद मैं रियलाइज़ कर रहा हूँ कितने पावर्स है जुडिशरी के पास. वो मैंने सोचा था हाँ मतलब सब कुछ है, पर इतना ज़्यादा है आपने इतना ज़्यादा, आई एम रियली क्वाइट सरप्राइज. और एक मैंने अंग्रेजी में एक फ्रेज शब्द यूज़ किया, पर आपको ट्रांसलेट करना चाहिए, वो मैंने कहा स्टिग्मेटाइज्ड कैपिटलिज्म. हाँ कि इससे यह है कि ये जो प्राइवेट सेक्टर की जो स्टेटस है इंडिया में, वो मैं ये नहीं कह रहा हूँ खराब है, पर द पीपल आर नॉट टोटली कंफर्टेबल विद द प्राइवेट सेक्टर, राइट. उसके मारे गवर्नमेंट्स आर नॉट एबल टू, और पब्लिक सेक्टर बैंक मैनेजर्स, पब्लिक सेक्टर ऑफिशियल्स, दे आर नॉट एबल टू टेक डिसीशंस जिसपे कुछ ये भी सस्पिशन, छोटा सा सस्पिशन हो सकता है कि हाँ वो कोई प्राइवेट सेक्टर को कुछ दे रहा है. इसके मारे आई थिंक दैट मोर एंड मोर डिसीशंस देयरफॉर आर बीइंग टेकन बाय यू नो इन अ जुडिशियल फ्रेमवर्क. एक मैं खुद मेरी गलती मानूंगा, गलती नहीं पर मैंने कहा था बैड बैंक पहले दो ढाई साल पहले, पर आई फील दैट जो IBC की सोल्यूशन हुई है इज अ मच बेटर सोल्यूशन प्रिसाइसली बिकॉज ऑफ दिस कि जो जुडिशरी और जुडिशियल फ्रेमवर्क के कॉन्टेक्स्ट में डिसीजन ले पाते हैं हम एग्जीक्यूटिव नहीं ले पाते बिकॉज ऑफ दिस. लेकिन IBC के पैरेलल में एक दूसरा फैसला लिया गया सशक्त करके जो प्रोजेक्ट, जो वो तो अभी अभी आया है. आई थिंक IBC इज स्टिल द मेन गेम इन टाउन. एक दूसरा मुद्दा जो आपसे कहा था मैं कि नॉन पॉलिटिकल होके बोलेंगे आप, वो ये था कि पीएम को लेकर ही कि आप सरकार में आने के बाद पीएम या फिर नरेंद्र मोदी के को लेकर जो परसेप्शन आपके पास था, और सरकार में आने के बाद आपकी पीएम से कोई ऐसी मुलाकात हो जिसका जिक्र करना चाहेंगे जो पीएम मोदी के बारे में आपके परसेप्शन को चेंज कर दिया हो. देखिए आई डिडंट नो पीएम फ्रॉम बिफोर एंड आई यू नो आई हैव नॉट, जो पढ़ते थे उससे जो परसेप्शन बना था, फिर काम जब किया था परसेप्शन. देखिए आई इट्स बीन अ रियल प्रिविलेज वर्किंग विद द प्राइम मिनिस्टर, विद गवर्नमेंट, विद द फाइनेंस मिनिस्टर, सो आई डोंट हैव एनी यू नो आई विल ओनली हैव गुड मेमोरीज ऑफ माय डिस्कशन. आई हैव जस्ट बीन वेरी इंप्रेस्ड विद जो
मतलब इतना मतलब caring about and devoted and paying so much time and attention to development issues. Ye, I didn't know that this would be the case. So I've been very struck by how much time and attention, you know, and detail he devotes to, you know, development and improvement. अब जिस तरह से हम देख रहे हैं कि CAD बढ़ रहा है, inflation बढ़ रहा है, तो आपको लगता है growth rate पे थोड़ा बहुत असर पड़ेगा, क्योंकि IMF ने भी हमने देखा कम prediction 0.1% उन्होंने कम किया. देखिए, अगर oil की दाम बढ़ेगी और I think something like इस साल ऑयल की तेल की दाम करीब 25-30% पिछले साल से ज़्यादा है, इसका एब्सोल्युटली इम्पैक्ट होगा. इन्फ्लेशन थोड़ा बड़ा हो ज़्यादा बढ़ेगा, ग्रोथ थोड़ी कम होगी. दिस इज़ जस्ट अनअवॉइडेबल. तो इसीलिए आई थिंक देर विल बी सम इम्पैक्ट ऑन इन्फ्लेशन, सम इम्पैक्ट, और जो आप करंट अकाउंट पे देख रहे हैं वो भी उसका ही मोस्टली ऑयल ग्रोथ रेट पे भी थोड़ा कम होगा रिलेटिव टू व्हाट वी हैड प्रोजेक्टेड. हमने सर्वे में कहा था 7.25 to 7.5 ऐसा कुछ कहा था, एंड सो इट विल बी मे बी इन दैट रेंज, मे बी एट द लोअर एंड ऑफ दैट रेंज. तो थोड़ा मतलब ऑयल का इफेक्ट तो पड़ेगा ही, क्योंकि इट्स अ बिग इम्पैक्ट, 25-30%. सेकेंड लास्ट क्वेश्चन GST को लेकर है. पॉलिटिकली डिमांड हो रही थी सिंगल रेट होना चाहिए, अरुण जेटली साहब ने कहा सिंगल रेट की मांग करना बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल है. आप अब आपको लगता है कि 28% का जो ब्रैकेट था उसको अब खत्म करने का समय आ गया है, आपका अपना ऑब्जर्वेशन क्या? हाँ, वो आई थिंक 28, यू नो दैट आई वाज नेवर इन फेवर ऑफ 28%. आई थिंक दैट उसका मतलब आई थिंक ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स काफ़ी उस पर बिकॉज रेवेन्यू भी स्टेबलाइज हो रहा है, अच्छा परफॉर्मेंस अच्छी हो रही है, एंड इफ GST काउंसिल हैज़ कॉन्फिडेंस की रेवेन्यू होगी तो ज़रूर 28% का आई थिंक स्लोली वी विल सी दैट. बट आपने जो कहा अभी जो है डिबेट इंडिया में GST पे, इस चीज़ पे होना चाहिए, एक रेट नॉट मोर रेट्स उस पर नहीं होना चाहिए. वी शुड हैव अ डिबेट ऑन कैन वी गेट इट डाउन टू 3 slabs. जो हमने मैंने जो रिपोर्ट लिखा था, एक स्टैंडर्ड और एक हाई रेट और एक लो रेट, कैन वी मूव टुवर्ड्स दैट इन द मीडियम टर्म, दैट शुड बी द डिबेट. सरकार ने MSP में बढ़ोतरी की, जितना लागत है उसका 50% ज्यादा मुनाफा देंगे, लेकिन आपको लगता है कि ये बढ़ोतरी वाकई किसानों की हालत सुधारने के लिए कारगर साबित होगी, उनकी आमदनी दोगुना करने में मददगार साबित होगी, या फिर अभी बहुत कुछ करना बाकी है? MSP में ये है कि MSP जो है इट्स लाइक हम कहते हैं इकोनॉमिक्स में इट्स अ ट्रांसफर. इसका मतलब इट इज रिसोर्सेज जो है गिवन टू फार्मर्स, बट समबडी एल्स हैज टू पे द कॉस्ट फॉर दैट. हाँ, तो देयरफॉर देयर इज अ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस यू हैव टू डू, और वो डिपेंड करेगा क्या होगे प्राइसेस को, क्या हमारी प्रोक्योरमेंट इफेक्टिव रहेगी कि नहीं रहेगी, इन सब चीजों पे मतलब डिपेंड करेगा. लेकिन इस डिबेट से कितने सहमत है, क्योंकि 43% वेटेज आप फूड आइटम का होता है CPI में, MSP बढ़ा देंगे तो इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट थोड़ा बहुत तो थोड़ा तो होगा, वो तो होगा ही. बट मैं ये कहना चाहता था कि आई थिंक द डिबेट गोइंग फॉरवर्ड शुड बी क्या हम can we find better ways, quicker, simpler ways to help the farmer? और उसमें For example, ये जो मैंने अभी लिखा भी है recently, ये जो universal basic income, जैसे farmers को जो direct benefit transfer दे सकते हैं, ये जो तेलंगाना का जो scheme चला है, not as it is, it needs to be improved and adapted, पर क्या हम farmers को direct benefit transfer दे सकते हैं? क्या आप इस बात से सहमत हैं कि रोजगार के मुद्दे पर वाकई सरकार कामयाब नहीं हो पाई? देखिए, वो आई कीप सेइंग दिस, मैं ये बहुत ऑनेस्टली बात कर रहा हूँ कि मुझे ये एम्प्लॉयमेंट की डेटा अभी तक आई हैव नॉट बीन एबल टू फुली अंडरस्टैंड. इस साल के एंड पे वी विल गेट कॉम्प्रिहेंसिव डेटा जिससे हम कंपेयर कर सकें. मुझे इस बात को लेकर थोड़ा सा आपत्ति है, ऑब्जेक्शन है कि इस एम्प्लॉयमेंट को डेटा को लेकर हम लोग क्यों इतने उत्साहित हैं. प्रधानमंत्री ने एक बयान दिया कि रोजगार की दिक्कत नहीं, रोजगार के सटीक आंकड़े की दिक्कत है, डेटा की दिक्कत है. दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि रेलवे में 90,000 लोगों के लिए भर्ती निकलती है और 250,00,000 यानी 25 मिलियन लोग अप्लाई करते हैं, जो अपने आप में ये दिखाता है कि एम्प्लॉयमेंट नहीं है. देखिए, या तो आप इन आंकड़ों पर भरोसा करें या तो फिर आपको इनफॉर्मल फॉर्मल में एक चीज है. आई थिंक वन थिंग वी आर ऑल एग्रीड कि हमको एम्प्लॉयमेंट की जो चैलेंज है, वी नीड टू क्रिएट मेनी मोर जॉब्स
एंड यू नो सो वो आई थिंक कोई भी ये नहीं कहेगा कि हमने एम्प्लॉयमेंट की जो डेटा लेके क्या डेटा लेके तो बता देंगे हाँ एम्प्लॉयमेंट यहाँ से यहाँ चला गया, लेकिन जो सिचुएशन ग्राउंड पे है वो तो देखिए, पर जैसे आपने कहा कि 25 मिलियन ने ये किया, 90,000 पोस्ट के, दैट्स अ वेरी आई थिंक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटिस्टिक, पर इसके दो इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं. एक तो है कि आप कह रहे हैं कि यू नो इतनी रोजगारी की प्रॉब्लम है, ये है, दैट्स वन इंटरप्रिटेशन, आई डोंट नो. द अदर इंटरप्रिटेशन इज दैट गवर्नमेंट जॉब्स इन इंडिया आर वेरी वेरी अट्रैक्टिव, तो उसकी उसी के मारे अब ऐसा नहीं रहा. नहीं अभी नो नो देखिए, जैसे टीचर्स की पब्लिक सेक्टर में टीचर्स की सैलरी स्कूलों में इज 4-5 times इन द प्राइवेट सेक्टर. जो हम लाइक काफी लोग हैं जो वीआरएस लेके देश सरकारी नौकरी छोड़ के चले जाते हैं. खैर ये काफी बहस का विषय है. अगर आप जाएंगे यूएस तो आपसे लोग पूछेंगे कि भारत से क्या लेकर के आए हो, तो क्या बताएंगे? अब ये बहुत बहुत चीजें, पर एक चीज जो आप बताना चाहेंगे सबको, क्या ये मैं लेकर के आया? आई थिंक आई हैव गॉन बैक विद अ रिन्यूड अ न्यू लव फॉर एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंट्री व्हिच आई डिडंट हैव बिफोर. तो इतना प्यार, अफेक्शन, रिस्पेक्ट ये जो मिली है, एंड द प्रिविलेज ऑफ वर्किंग इन गवर्नमेंट वर्किंग, एंड ऑल्सो यू नो जो प्रिविलेज, जो मैं कहता हूँ कि ये जो सीए जो है ये सिर्फ गवर्नमेंट का सीए नहीं है, मुख्य आर्थिक सलाहकार, ये आम आदमी ऐसे, दैट आई थिंक दैट आई विल टेक बैक विथ मी. ये तो कभी मतलब ये अपॉर्चुनिटी मुझे ऐसे कभी नहीं मिली.